अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबका रोज़ा बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सहरी टू इफ्तार अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अभी मुझे ना कुछ 12:15 हो रहे हैं। मैं जल्दी ही काम ख़त्म कर देती थी। आज मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर बैठी थी, मन थोड़ा अजीब सा हो रहा था, बाहर जाने का मन हो रहा था, तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई बाहर। तो मैं अपनी देवरानी के यहाँ चली गई, वो काम से वहीं जा रहे थे, तो मैं बोली मैं जाती हूँ, जब तक कि मैं खदीजा के वहाँ बैठूँगी ना, तुम चले आना जाके। तो गई वहाँ पर, थोड़ा हंसी मजाक की और फिर आई, माइंड सेट हो गया, अब काम में भी दिल लगेगा। और अब यहाँ पर फटाफट मैंने क्या की ना, किचन पहले क्लीन कर ली, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मगरिब की नमाज़ हो गई, फिर दस्तरखान वगैरह उठाओ, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, वो सब होके गया, फिर तरावी आ जाती है, थोड़ा आराम करने मिलता है तरावी पढ़ के। फिर टाइम नहीं था, हस्बैंड आए तो मैं बाहर चली गई, और घर पे आने तक टाइम हो गया। तो फटाफट से मैं सहरी की यहाँ पर तैयारी करने लग गई। हस्बैंड और मैं ना बनाना दूध रोटी खाने वाले थे, लेकिन अब्बा को नहीं चलता है, तो अब्बा के लिए फिर यहाँ पर मैंने चिकन बनाने रख दी हूँ। और अब मैं ना भिगाने जा रही हूँ चने। चना जितना अच्छा भीगता है उतने बड़े होते भी हैं और अच्छे नरम बनते हैं और जल्दी गल भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने रात में भिगा दी हूँ और नेक्स्ट डे इसे मैं बॉईल कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं चिकन को दूसरी साइड करने जा रही हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर जेली। चाइना ग्रास को मैंने ना 15 मिनट पहले ही भिगा दी थी, तो ये फूल गया है। अब एक एक कप पानी में भिगाई थी, अब एक बर्तन में इसे मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। तो चाइना ग्रास से ना मुझे एक बात याद आ गई, तो सेकेंड रोज़े को ना हम लोग के घर में आटा ख़त्म हो गया था और हस्बैंड लेने जा रहे थे, तो साथ में मैं भी चली गई थी। अब आटे की दुकान के ही बाजू में उसी की किराने की छोटी सी दुकान थी, तो आटा जहाँ से पिसाते हैं ना वहीं से वो चाइना ग्रास भी लेने ले लिए, बोले कि यहाँ पर ही मिलता है। अब वो अंदर से ला के दिया, वो टाइम पर तो हम लोग लेकर आ गए। दूसरे दिन मैं उसे देखते बैठी थी कि ये किधर का है, कहाँ से बना हुआ है और हलाल है या नहीं। तो देखते देखते ना उसकी डेट पर मेरी नज़र गई, उसमें दिया हुआ था 2021 का मैन्युफैक्चर है और एक्सपायर 2023 में फेब्रवरी को हो गया है। अब वो हम लोग ने अब 24 में लेके आए, तो मैं बोली हस्बैंड को ये एक्सपायर है, मैं बनाने वाली नहीं, इसे रिटर्न करके मुझे दूसरा ला के दो। हस्बैंड वो टाइम पर तो हाँ बोल दिया, हाँ रिटर्न करेंगे, लेकिन उनको रिटर्न करने ही नहीं हो रहा था कि हाँ छोड़ो जाने दो लेके आ जाएंगे बाद में। तो मैं बोली नहीं, अब जा ही रहे हैं ना तो आज साथ में लेकर जाती हूँ, तो साथ में लेकर गई और चेंज करा के लाई। तो वो दुकान वाले अंकल क्या बोलते हैं, अरे एक्सपायर है तो क्या हुआ, बनता तो है ना चाइना ग्रास। तो इससे क्या सबक मिलता है, जो छोटी किराने की दुकान वगैरह होती है तो वहाँ से जब भी कोई चीज़ लेना तो उसकी डेट वगैरह देख कर ले। अच्छा तो यहाँ पर अब चिकन भी हो गया था, एक तरफ मैंने ना पानी गर्म करने रखी हूँ और उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बाकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिल्क ले ली हूँ, उसे भी गर्म करने रख दी हूँ, उसमें भी चीनी ऐड की हूँ, और साथ ही में जो हमने ना चाइना ग्रास को मेल्ट किया था वो मिक्स कर दी हूँ थोड़ा सा, और बाकी का मैंने पानी में ऐड कर दी हूँ। ये अहमद के लिए मैं थोड़ी सी अलग मिल्क वाली जेली बना रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने 2 फूड कलर ले ली हूँ, आधा आधा क्वांटिटी ना अलग अलग करेंगे और 2 फूड कलर ऐड कर देंगे। मेरे पास 2 ही फूड कलर है इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ, आपके पास जितने फूड कलर हो वो ऐड कर सकते हैं और अलग अलग कलर में अलग अलग किस्म की जेली बना सकते हैं। ये वाला जो मैं फूड कलर डाल रही हूँ ना, इसमें थोड़ा सा हल्का सॉल्ट होता है, तो जब ये जेली उसमें क्या कहते हैं फालूदे में जाती है ना, तो इसका मीठे के साथ जो नमक वाला टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कभी भी बनाना हो ना तो ये डब्बी वाला जो फूड कलर रहता है वो इस्तेमाल करें, जो जर्दे वगैरह बिरयानी वगैरह में डालते हैं। जेली को मैं काउंटर टॉप पर ही छोड़ दूंगी, सहरी में इसे उठाकर रखूंगी जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, और जो बर्तन निकले हैं ना उसे सहरी में ही धुल दूंगी। आटा एक बार और गूंद कर इसे रख दूंगी फ्रीज में, और फिर मिलते हैं सहरी में। तो सहरी में मैं किचन में ना 4:30 बजे आ जाती हूँ।
देखिए सारा काम तो मैंने रात में ही करके रख दी होती हूँ। अब खाली मुझे चाय और रोटी बनाना होता है, और जो भी बनाई हूँ सब्जी चिकन उसे गरम करना होता है। तो वो गैस चालू कर कर फटाफट रख देती हूँ तो वो गरम होता रहता है और चाय पकते रहती है। एक गैस पर मैं रोटी बना लेती हूँ। गिनती के सिर्फ मुझे 7 रोटियाँ ही बनानी होती है। रोटी हो जाती है उसके बाद फ़ौरन बाद अगर खाना होता है ना पराठे वगैरह, तो हस्बैंड और अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि अब्बा के लिए फिर बाद में बनाना होता है। जब उनका रोटी वगैरह खाकर हो जाती है तो छोटा सा पराठा चाय के साथ चाहिए होता है। मुझे ना दूध के साथ बनाना एकदम मैश अच्छा लगता है, फिर दूध एकदम थिक हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन हस्बैंड को ना मिल्क में कटे हुए ही बनाने अच्छे लगते हैं। पहले मैं उनको मैश करके देती थी तो बोले ऐसा क्यों देते हैं मुझे कट करके ही देने का, वो रोटी के साथ एक एक पीस उठा कर खाते हैं, पर मुझे मैश किया हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने लिए ना 2 हिस्सों में कटिंग करके बीच में से चीर लगा के कट करके फिर उसे ना चम्मच से मैश कर देती थी। तो सहेली हो गई हमारी, और यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए हैं, पानी ख़त्म हो गया है तो 6 बजे तक पानी आएगा, जब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। रात में अफीफा वॉशरूम गई थी और उसने नल चालू कर दी थी जिसकी वजह से पानी खाली हो गया पूरा। तो यहाँ देखिए कितना खाली खाली अच्छा लग रहा है, किचन बिल्कुल भी अब काम नहीं है। तो पानी आया था बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद, यहाँ पर मैंने ना कपड़े वगैरह टॉवल जो थे वो भी धुल दी थी। सुबह हो गई है, 7:15 तो बच ही जाते हैं काम करते करते। और अब तो अभी यहाँ पर मैं मिल्क गरम करने रख रही हूँ। 700 ml के करीब हमें मिल्क गरम करना है। और आज मैं किचन में बहुत लेट आई थी, पता ही नहीं चला फ्राई, जब रमज़ान चालू हुआ तो क्या फ्राइडे और क्या नहीं, कुछ बनाना नहीं होता है तो पता ही नहीं चला। तो बच्चों को मैंने क्या की थी, खिचड़ी वगैरह बनाकर खिला उला दी, नाश्ता पे लेकर आई, खिचड़ी बनाकर खिला दी, उसके बाद फिर किचन में आई। मिल्क नहीं था, हस्बैंड से मिल्क मंगा रही थी, वो लाते लाते नमाज़ पढ़ के पीछे से गलती हो गए, पता ही नहीं चला। फिर मैं ऑनलाइन से मंगा कर फिर अभी मैंने ना अपना बनाना शुरू की हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा था ठंडा नहीं होगा, मगर इसके पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर जेली को ना मैंने कट कर ली हूँ टूटी फ्रूटी की तरह छोटे छोटे पीसेस में, और अहमद पीछे पड़ा था, अम्मी जेली चाहिए जेली चाहिए, तो उसे भी मैं दे दी हूँ। मैं बोली कि मैं पहले कट कर लूँ फिर तुमको देती हूँ। और एक तरफ मैंने ना सब्ज़ा भी भिगा कर रख दी हूँ, सब्ज़ा तो 10-15 मिनट में भीग जाता है। और मिल्क में चीनी ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप सेवई, ये होममेड सेवई है, ये मेरी सिस्टर के ससुराल से आया था तो अम्मी वहाँ पर बनाते ही नहीं है तो मुझे दे दिए थे। और ये थोड़ी ना जल्दी पक जाती है, और जो मार्केट से लाते हैं ना वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है और थोड़ा वक्त लगता है पकने के लिए, तो इसलिए मैंने ना दूध बॉईल करने के बाद ऐड की हूँ। अगर आपके पास वो मार्केट वाली सेवैयाँ हो तो मिल्क गर्म करने के साथ ही ऐड कर दें। साथ ही मैं 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड की हूँ। अब यहाँ पर देखे अच्छे से सेवई गल चुकी है। अब ना थोड़े से दूध मैंने निकाल ली थी और उसके बाद मैंने ऐड की हूँ कस्टर्ड पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मिल्क में मिलाकर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट बॉईल कर लेना है मिल्क में मिला के, ताकि जो कस्टर्ड की स्मेल है वो निकल जाए। अब इसकी फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने रख देंगे। और ये क्लिप 2 दिन पहले की है रात की, यहाँ पर ना मैं रात में उड़द की दाल फिका रही थी। अच्छे से वॉश करके फिका देंगे और ओवरनाइट पूरा इसे सोख होने देंगे। और दूसरे दिन मैंने इसे बनाई भी थी तो ज़्यादा क्वांटिटी में जितनी भी थोड़ी सी दाल बच रही थी तो मैंने वो भी डाल दी थी। अब जब मैं उसे पीसने लगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बैटर लगा उसका, तो मैंने क्या कि थोड़ी सी दाल निकाल कर फ्रीज में रख दी थी। तो आज मैं वही दाल का दही वड़े बनाने जा रही हूँ। थोड़ी सी दही भी बची हुई थी तो इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी हूँ, और इसे मिक्स करके बस फ्रीज में रख देंगे जिससे कि सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा। अच्छा खासा वक्त बचा हुआ था तो मैं सोची फालूदे की गार्निशिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काजू बादाम को मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। अभी मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ, मैं मंगाई थी दुपट्टा। दुपट्टा
दुपट्टा तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे कपड़े से ना मैच नहीं हो रहा है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। ये है मेरी औलाद, कितना परेशान करके रखी है, बिना पसारा किए इन लोगों को खेलना ही नहीं अच्छा लगता होता है। ये दोनों के पीछे मेरी एनर्जी इतनी जाती है ना, शाम तक तो मेरी पूरी बैटरी डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है बस मैं अब सब छोड़ डालूँ, काम ही ना करूँ। इसीलिए मैं ना अपना काम जो है ना इफ्तारी से पहले ज़्यादा कर लेती हूँ, ताकि इफ्तारी में मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। अब यहाँ पर चलते हैं चने का मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर मैंने क्या की हूँ ना, प्याज ली थी, स्लाइस में कट की थी फ्राई करने के लिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी फ्राई प्याज रखी हुई थी, इसीलिए मैंने ना ऑयल में डाल दी। और हाँ, गरम तेल में डालेंगे तो वो जल जाएगी, या तो मसाले डालने के बाद ऐड करें। तो मैंने ठंडे ऑयल में ना प्याज को ऐड कर दी, उसके बाद जो है मसाले पलटी कर दी। मसालों में मैंने ली हूँ टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची, कोथमीर नहीं थी इसीलिए मैंने ना कोथमीर का पेस्ट ऐड कर दी। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले जब तक भून रहे हैं, यहाँ पर मैं फालूदे का ग्लास जो है ना रेडी करके फ्रीज में रख दूंगी। 2 चम्मच हमें रूह अफ़ज़ा ऐड करना है, तो मैंने 1 चम्मच को ना ग्लास में गार्निश करते हुए ऐड की हूँ और 1 चम्मच ऐसे ही ऐड करती हूँ, और घर के नॉर्मल चम्मच ही लेना है। उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच सब्ज़ा ऐड की हूँ। सब्ज़ा ना पेट के लिए बहुत ही मुफीद होता है, ठंडा होता है, तो इसे रमज़ान में ना ज़रूर कंज्यूम करें। उसके बाद हमने जो रबड़ी बनाई थी सेवई की, वो ऐड कर दी है। जेली ऐड करेंगे और सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, सब्ज़ा ऐड करेंगे, फिर से सेवइयों की वो रबड़ी ऐड करेंगे, उसके बाद ऊपर से जेली ऐड करके रख दी हूँ। हस्बैंड से मैंने मंगाई हूँ आइसक्रीम, तो जब वो लेकर आएंगे तो इफ्तारी से पहले उसे मैं ऐड कर दूँगी। और चना देखे मैंने ना पहले ही बॉईल कर ली थी, जब आप लोगों को अपना वो पार्सल दिखा रही थी ना तब चना बॉईल हो रहा था। चने को भी इसमें मिक्स कर देंगे मसालों में, और बस इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना चने का जो उसमें गया है, वो सारा मिक्स करते हुए सुखा लेंगे हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर। चना बन रहा है, दही बड़े बनाने वाली थी। अहमद बोलता अम्मी मुझे भजिए चाहिए, तो कल मैंने ना भजिए बनाई थी तो अहमद को बहुत पसंद आई, बोलता मुझे कांदे की ही भजिए चाहिए। उसने और कुछ नहीं खाया, सिर्फ कांदे की ही भजिए खाए, तो मैं सोची चलो 2-3 कांदे की ना उसके लिए भजिए बना देती हूँ। और यहाँ पर दही वड़े बनाने के लिए मैंने पानी में ना नमक डालकर रख दी हूँ। तो हस्बैंड से मैंने अनानास मंगाई थी, वो मार्केट गए थे, तो वहाँ से फ्राई आइटम भी, चिकन के कबाब ने ये वो सब उठा कर ले आए हैं। तो और यहाँ पर देखे अब मैं ये तेल गर्म हो गया था, इसमें छोटे छोटे पोर्शन ड्रॉप कर दूँगी। तो दही वड़े बना जब मैं पीस रही थी ना दाल, तब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर दी थी। अब इसे सिर्फ फ्राई कर लेना है, और एकदम लाइट फ्राई करते हैं, गोल्डन फ्राई नहीं करते हैं इसे, और निकाल कर जब ये फ्राई हो जाए ना सीधा पानी में ड्रॉप कर देना है। दही वड़े फ्राई करके हो गए थे, यहाँ पर कांदे की भजिए फ्राई कर रही थी, और साथ ही में मैंने ना निकाल कर रखी हूँ 2-3 समोसे। तो भजिए को मैंने फ्राई होने रख दी हूँ, और दही वड़े जो ना अच्छे से सोख हो चुके हैं, तो अभी इन्हें निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे। दही में जो चीनी हमने डाली थी वो मेल्ट हो गई होगी, तो अब इसे ना मिक्स करके बस यहाँ पर हम अपने दही वड़े रेडी कर लेते हैं। अब इस पर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, और साथ ही में भुना हुआ पिसा जीरा पाउडर इसे ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चटनी ऐड कर खाना पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, जो कि मेरे पास है नहीं आज। तो सारे सामान के साथ ना हस्बैंड ने आइसक्रीम भी ले आए थे, इसे मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और ये मैंने वो वाली आइसक्रीम मंगाई जो नहीं क्या बाहर हाथ गाड़ी पर लगाते हैं ठेले पर, कुल कौन में भर कर देते हैं वो वाली, वो है ना बहुत अच्छी लगती है, तो वही आइसक्रीम मंगाएं या फिर जो वज़न के हिसाब से मिलती है। अभी तो मिलना मुश्किल थी इसीलिए मैंने ये मंगा ली। आइसक्रीम ऐड करने के बाद यहाँ पर हल्का सा ना ऊपर से ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो अब ऊपर से गार्निश कर देंगे काजू बादाम। तो इफ्तारी से ना 10 मिनट पहले ही दस्तरखान लगा देते हैं, ताकि थोड़ा बैठ कर दुआएं वगैरह मांगे, दुआ पढ़ें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।